कर लेते हैं तो आपको बता दें कि गुरुग्राम से खबर है जहां पर अंडरपास में भरे पानी में डूबकर एक युवक की मौत हो गई। 1.5 घंटे रेस्क्यू के बाद युवक को बाहर निकाला गया। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं जो इस वक्त सामने आ रही है। राजीव चौक पैदल अंडरपास में 6 से 8 फीट पानी भरा हुआ है, आपको बता दें। और गुरुग्राम से खबर है जहां पर अंडरपास में भरे पानी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई है और 1.5 घंटे के रेस्क्यू के बाद यहां पर युवक को बाहर निकाला गया है। और एक तरीके से मानसून की पहली भारी बरसात ने ही प्रशासन की पोल खोलकर रख दी है। जिस तरीके से ये मामला निकलकर सामने आया है, तो वहीं इस बीच हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी से सीधे उनका रुख करेंगे। दीपक, क्या कुछ पूरा मामला है, किस तरीके से युवक इस अंडरपास में फंसा और युवक की मृत्यु हो गई डूबने की वजह से? क्योंकि बरसात के बाद पूरे प्रशासन के ना के पोल तो खुली, पूरे गुरुग्राम जिले के अंदर की बात करें जगह जगह पानी का जल भराव रहा। अंडरपास जो है हाईवे बकायदा वो सब बंद करने पड़े क्योंकि अंडरपास में भी पानी भर गया था। उसके चलते कहीं ना कहीं कमी तो रही थी, हालांकि और इसी बीच अंडरपास की अगर हम बात करें जो दिल्ली जयपुर हाईवे पर है, राजीव चौक के पास सेक्टर 38 और दिल्ली जयपुर हाईवे को ये जोड़ता है, इस अंडरपास के अंदर जो है एक शव बरामद हुआ है। एक व्यक्ति ने इसके अंदर देखा कि कोई शव तैरा था, उसने 112 नंबर पे कॉल करा। बाकायदा टीम यहाँ पहुंची, गोताखोर पहुंचे और मशक्कत के बाद काफी तलाश के बाद ये शव बरामद हुआ है। और आशंका यह है कि किसी वाहन के जरिए यहाँ से ये जा रहा होगा, लेकिन जल भराव के चलते कंट्रोल नहीं हुआ और वो वाहन जो है वो उसमें डूब गया, जिसके चलते ये डूब गया होगा। तो फिलहाल इसका अभी शव जो है गोताखोरों ने इस युवक का बाहर निकाला है। तो इस युवक की मौत हो गई है पानी के अंदर डूबने से। और सबसे बड़ी बात यह कि कहना की प्रशासन की पोल खुली, तमाम दावे तमाम वादे किए गए थे। 2 IAS अधिकारियों के करीबन 1 दर्जन HS अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई थी कि गुरुग्राम में कहीं जल भराव ना हो। बकायदा 1 महीना पहले से प्लानिंग बनाई गई थी, उसके लिए लाखों रुपए का बजट बना करके खर्च भी किए गए हैं उसके अंदर बात करें आंकड़ों में, ताकि कहीं पर भी जल भराव ना हो। लेकिन आज जल भराव की तस्वीरें जहां पूरे गुरुग्राम जिला आज बंद हो गया, जाम हो गया, अंडरपास भर गया, वहीं एक युवक की भी इस अंडरपास में डूबने से मौत होगी, जिसका अब शव बरामद हुआ है। दीपक, आपसे आप यह भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने जानकारियां दी हैं कि साफ तौर पर तमाम अधिकारियों को लगाया गया था तमाम चीजों को दुरुस्त करने के, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से हादसा हुआ, इसके बाद क्या कुछ कहना है अधिकारियों का? क्या कोई अधिकारी निकलकर सामने आया, किसी ने कुछ बयान दिया हो पूरे मामले पर? जी बिल्कुल, हालांकि अधिकारियों का कहना है कि अभी इस पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है कि आखिर ये युवक इसके अंदर डूबा कैसे, किस वक्त ये घटना है, क्योंकि आज जब सुबह जब जानकारी मिली इसके अंदर जल भराव की, उसके बाद इस अंडरपास को भी बंद कर दिया गया था क्योंकि बड़ी संख्या में इस अंडरपास के अंदर पानी भर गया था, तो उसको बंद कर दिया गया था। उम्मीद यही है कि उससे पहले यानी कि आज सुबह जब बरसात शुरू हुई उसी दौरान इसका वाहन इसके अंदर फंस गया होगा, बंद हो गया होगा और ये खुद निकल नहीं पाया होगा, निकलने की कोशिश भी करी होगी तो निकल नहीं पाया होगा, तेज पानी का आने के कारण अंडरपास के अंदर ये निकल नहीं पाया होगा। लेकिन अभी इन तमाम बातों की अभी जांच की जानी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कि गुरुग्राम कमिश्नर ने स्पष्ट कहा था कि जहां पर भी जल भराव हुआ वहां के जिन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और हालात ये है कि जो जो भी पॉइंट थे जिनमें 2016 में भी देखा गया था जल भराव हुआ था, एक वही तमाम वो पॉइंट हर साल बढ़ते हैं, आज भी वहां पर सब जगह जल भराव रहा। और एक ये कारण ये था, आखिर इसके लिए अधिकारी कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो है ही है, लेकिन फिलहाल इस युवक की मौत कैसे हुई, किस वक्त हुई, ये अभी कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न है, क्योंकि कुछ देर पहले इसको तैरते हुए देखा गया था तब, और जिसके बाद 112 नंबर पर जब कॉल किया गया तो पुलिस की टीम आई, दमकल विभाग आए, गोताखोर आए और शव को निकाला गया। जी बिल्कुल दीपक, अपने आप में बड़ा मामला, जिस तरीके से हर साल वादे किए जाते हैं और हर साल वादे जो हैं वो खोखले निकलते हैं, इस तरीके की तस्वीरों के सामने आने के बाद, इस तरीके की खबरों के बाहर आने के बाद। बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों को हम तक और हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज हरियाणा पर। अंडरपास में आपको बता दें कि पानी भरा और ये वही अंडरपास है जहां पर युवक के डूबने की वजह से मृत्यु हो गई। तो तस्वीरें आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर पानी भरा हुआ है, किस तरीके से यहां पर आपको बता दें कि प्रशासनिक अधिकारियों की पोल खुलती हुई, प्रशासनिक वादों की पोल खुलती हुई साफ तौर पर दिख रही है। लगातार तमाम वादे किए गए थे और महीनों पहले से मानसून को लेकर तैयारियां की जा रही थी, लेकिन शुरुआती दौर में ही मानसून ने जो तमाम वादे किए गए थे, तमाम बातें कही गई थी अधिकारियों की ओर से, उनकी पोल खोल दी है। तो तस्वीर आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर, किस तरीके से यहां पर इस अंडरपास में आपको बता दें कि युवक की डूबने की वजह से मृत्यु हुई है। तो आपको बता दें कि बारिश की वजह से अंडरपास में पानी भरा और इस अंडरपास में युवक जो है वो डूबकर उसकी
मृत्यु हो गई। इस तरीके से अभी कुछ देर पहले हम अपने सहयोगी से जुड़े थे, हमारे सहयोगी दीपक शर्मा हमें जानकारियां दे रहे थे। तो साफ तौर पर दीपक शर्मा ने जिस तरीके से बताया कि अधिकारियों को महीनों पहले से यहाँ पर लगाया गया था तमाम चीज़ों को दुरुस्त करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी इस तरीके के हालात, इस तरीके की तस्वीरें जो हैं वो सामने आ रही हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त इंडिया न्यूज़ हरियाणा पर देख रहे हैं कि किस तरीके से गुरुग्राम के अंडरपास में पानी भरा और युवक की डूब जाने की वजह से मृत्यु हो गई है। तो वहीं तमाम अब आला अधिकारी जो हैं वो इस पूरे विषय को जाँच पड़ताल का विषय बता रही हैं।